स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल राइटर राइंग इनसाइड में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन क्या चीज़ है? जब भी हम किसी भी वस्तु की कोई आकृति या उसकी कोई छाया हम कागज़ के ऊपर बनाकर दर्शाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोजेक्शन कहलाता है। तो प्रोजेक्शन सिंपल, जब भी हम कोई हमारे दिमाग में कोई चीज़ चल रही है या कुछ सोचते हैं, हम उसको जब एक तरह से कागज़ पर हम बनाने लग जाते हैं तो वो हमारा क्या एक तरह का प्रोजेक्शन ही कहलाता है। तो आपको समझ आ गया होगा प्रोजेक्शन की परिभाषा, कि जब भी हम कोई चीज़ सोचते हैं तो उसको हम जब कागज़ पर बना देते हैं तभी वो हमारा क्या कहलाएगा? आपका प्रक्षेप, जिसको हम प्रोजेक्शन भी कहते हैं। तो गाइस, फिर आप इसके टाइप के बारे में बात करते हैं। तो इसका पहला जो हमारा है टाइप, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। तो गाइस, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन क्या है? जब भी, जैसे मैंने अभी बताया था, भी प्रोजेक्शन क्या है, जब भी हम किसी चीज़ का कोई उसका आकृति या उसकी कोई छाया बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रोजेक्शन। उसी के ऊपर ये इसका टाइप बनाया गया है। तो पिक्टोरियल में क्या होगा, ड्राइंग में भी जब भी हम कोई डायग्राम की जब उसको कागज़ पर बनाएंगे तो जो हम ऑब्जेक्ट की आकृति बना रहे हैं उस आकृति के अंदर आपकी लंबाई चौड़ाई और एक निश्चित लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेकर आपने क्या करना है, उस ड्राइंग को आपने बनाना है, तो वो आपके क्या कहलाएगी? पिक्टोरियल ड्राइंग। तो इसके अंदर आपने उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेकर उसको बनाना है। इसी के आगे इसके टाइप आते हैं। जो पहला है इसी का टाइप, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या चीज़ है? जैसे इसके अंदर जो हम ये लंबाई और चौड़ाई और जो हम ऊंचाई लेंगे वो क्या होगी? एक आपकी निश्चित नहीं रहेगी, आपकी भी आप उसको कह सकते हो कि, तो एक जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी वो क्या होगी? निश्चित नहीं होगी, जिसके कारण क्या होगा, जो हमारे वस्तु का जो सही आकार हमें नहीं मिल पाता है पर्सपेक्टिव के अंदर। और ये ज़्यादातर हमारी सिविल जो है ड्राइंग, उस ड्राइंग के अंदर इसको हम यूज़ करते हैं। जैसे कि बिल्डिंग वगैरह के कोई नक्शे बनाने हो वहाँ पर इसको पर्सपेक्टिव ड्राइंग प्रोजेक्शन ही हम इसको यूज़ करते हैं। सेकंड है हमारी आइसोमेट्रिक ड्राइंग, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इसके अंदर भी जो हमारी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी? निश्चित रहेगी, फिक्स रहेगी। आपकी एक प्रॉपर लंबाई लेनी है, चौड़ाई लेनी है और ऊंचाई लेनी है। और इसके जो है ये तीन एक्सिस पर बनती है गाइस, एक्स वाई जेड। एक लंबाई का है, एक चौड़ाई का है, एक ऊंचाई का है। प्रॉपर इसकी एंगल पर लेना है और ये आधार से 30 डिग्री पर बनाई जाती है। ये भी ध्यान रखना, आपने क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग कितने डिग्री के कोण पर बनाई जाती है, 30 डिग्री पर। और इसके जो है एक्सिस है हमारे एक्स वाई जेड, और इन तीनों के बीच में क्या होगा? प्रॉपर कोण होगा, ये भी ध्यान रखना है। जो अक्ष के कोण इसके बराबर रहेंगे एक्स वाई जेड तीनों के बीच के। तीसरा जो है हमारा इसमें ओब्लिक प्रोजेक्शन है। इसके जो एक्सिस हैं इसमें भी आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी? निश्चित रहेगी, परंतु इसके जो एक्सिस होंगे एक आधार से जुड़ा रहेगा
और दूसरा जो है अक्ष आधार से 45 डिग्री के कोण पर बनेगा। ये ध्यान रखना, एक जो इसका एक्सिस है, जैसे कि ये एक्सिस तो इसका क्या है, वन, एक तो आपका आधार से रहेगा, दूसरा जो रहेगा ये आपका 45 डिग्री के कोण पर रहेगा, ये आपने ध्यान रखना है। इसमें जो दोनों एक्सिस हैं दोनों ही 30-30 डिग्री के कोण पर रहेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों, लेकिन इसमें क्या रहेगा, एक तो बेस लाइन के ऊपर होगा 180 डिग्री के ऊपर और दूसरा साइड होगी हमारी 45 के ऊपर। सेकंड जो टाइप है हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, सेकंड है हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑर्थो प्लस ग्राफिक। ऑर्थो का मतलब है सीधा और ग्राफिक का मतलब है लिखना, मतलब समकोण पर किसी भी वस्तु को हमने बनाना है 90 डिग्री के ऊपर। ऊपर वाली तो हम अलग अलग कोण पर बना के आए थे, जैसे कि आइसोमेट्रिक हमारी 30 डिग्री पर थी, ओब्लिक हमारी ये 45 डिग्री पर बनाई है हमने, और पर्सपेक्टिव में कोई कोण आपका फिक्स नहीं है, किसी भी कोण पर बना सकते हैं। और जो हमारी आइसोमेट्रिक है ये आपकी 3D प्रोजेक्शन है, 3 डायमेंशनल है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जबकि जो हमारी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है ये आपकी 2 डायमेंशनल है, 2D बोलते हैं इसको ड्राइंग को, तो इसमें दो ही डायमेंशन हम एक बार में दिखा सकते हैं, जैसे कि लंबाई चौड़ाई हो सकती है, आपकी चौड़ाई ऊंचाई हो सकती है या लंबाई ऊंचाई हो सकती है, और एक यही ऐसी ड्राइंग है, प्रोजेक्शन है, जिसमें हम किसी वस्तु का सही और वास्तविक साइज पता कर सकते हैं कि वो वस्तु का कितनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एग्जैक्ट कितनी है। तो मेन आपकी ये दो टाइप है, आपका पहला है पिक्टोरियल ड्राइंग, उसके आपके ये 3 पॉइंट थे जो यहाँ पर बताए हैं, पर्सपेक्टिव जिसमें आपका कोई कोण फिक्स नहीं होता है और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी कोई फिक्स नहीं होती, आइसोमेट्रिक में आपको लंबाई चौड़ाई क्या फिक्स होगी और 30 डिग्री पर बनती है, और ओब्लिक में भी आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई फिक्स होगी, लेकिन उसका एक एक्स तो एक्सिस क्या होगा, आधार पर होगा, दूसरा 45 डिग्री पर होगा। और सेकंड जो टाइप है हमारा प्रोजेक्शन का है वो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जो 2 डायमेंशनल है, ये ध्यान रखना है, और 2 ही डायमेंशन हम इसमें दिखा सकते हैं, और सही साइज अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले भी कौन सी ड्राइंग वो किसी भी वस्तु का सही आकार बता सकती है, तो वो आपकी होगी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। फिर इसके आगे और टाइप है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए ये हमारा टॉपिक था, बेसिकली प्रोजेक्शन क्या है और कितनी आपके इसके टाइप है, तो इसका पता होना चाहिए कि कितनी इसके टाइप है और कौन कौन सी प्रोजेक्शन होती है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर कुछ आपको समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।